मंदसौर में शराब पीने से 7 लोगों की मौत के मामले की जांच करने एसआईटी मंदसौर पहुंची। 3 सदस्यीय इस टीम ने मृतकों के गांव जाकर परिजनों के बयान लिए। उसके बाद मंदसौर जिला अस्पताल निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से जाकर मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। एसआईटी प्रमुख राजेश राजोरा ने बताया कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 अस्पताल में भर्ती हैं। आंखों की रोशनी जाने वाले 2 मरीजों को इंदौर MY में रेफर किया गया है। लोग एसआईटी में हमारे ईडीजी जीपी सिंह साहब के साथ और आईजी सिकरवार साहब के साथ आज आए और हम लोगों ने गांव का भ्रमण किया विस्तार से। पिपलिया मंडी थानों के सभी अभिलेखों का वहां पर जो आरोपी थे और जो वहां पर गवाह थे उन सब से चर्चाएं की डिटेल में, और आज भी अस्पताल आए हैं यहां पर जो भर्ती हैं इनसे विस्तार पर चर्चा हुई है। और इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तेजी से किया जा रहा है और इसमें जो भी आरोपी होंगे उन आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सर, एक्चुअल डेथ का फिगर क्या है? कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी? जी, 7 लोगों की डेथ हुई है और 3 यहाँ भर्ती हैं, 2 MY हॉस्पिटल में भेजे हैं जिनको आंखों की रोशनी जाने की स्थितियाँ बनी हैं, और 1 पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो 7 डेथ्स और 6 जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं, ये आंकड़ा है। अभी आप लोगों तीनों से मिले थे तो ये इनमें से 2 तो आज ही डिस्चार्ज या कल सुबह डिस्चार्ज हो जाएंगे, 1 और है वो भी स्टेबल है, वो भी 1-2 दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। हम लोग गांव में गए थे, गांव में भी चर्चा हुई, वहां पे सरपंच भी थे, गांव के सभी वृद्धजन भी थे, परिवारजन भी थे, उन समृद्ध जो प्रबुद्ध नागरिक है वो भी थे, उन सबसे चर्चा हुई गांव में। सर, कितने मृतक परिवार से आपने मुलाकात? 3 मृतक परिवार थे खरगे गांव में, तीनों से मिले हम लोग। और देखिए अभी इस स्टेज में बताना उचित नहीं होगा, अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है और पुलिस सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूर्ण विश्वास है कि इसमें सभी आरोपी जो गिरफ्तार होंगे इनको चालान भी लगेगा और कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ रहे हैं और सबकी नजर प्रशासन पर जुटी है कि इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।